हेलो दोस्तों, मैं हूँ अनीता और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक, फाइबर से भरपूर और इस सब्ज़ी में पानी की मात्रा लगभग 94% होती है, जो आपको वेट लॉस करने में काफ़ी मददगार होगी। वैसे भी ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पौष्टिक होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी लगती है। तो चलिए इस टिंडे की सब्ज़ी को बनाना शुरू करते हैं। तो ये टिंडे आते हैं जो गोल आकार के होते हैं, जैसे कच्चे टमाटर होते हैं, कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले हमें ये टिंडे ले लेने हैं। मैंने यहाँ पर 1 किलो टिंडे ले लिए हैं। सबसे पहले हम इनको छील रहे हैं। जो आलू छीलने का चाकू होता है, आप उससे इन टिंडों को छील सकते हैं। फिर आप जैसे आलू को हम कट करते हैं, इस तरीके से इसको कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, जो इसके ऊपर की डंठल होती है, ये हार्ड हिस्सा होता है, तो आप चाकू की हेल्प से इसको निकाल लीजिए। फिलहाल मेरी तबीयत ख़राब सी चल रही है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी अपने हस्बैंड की हेल्प ली है। तो सब्ज़ी को वो ही काट रहे हैं, तो मैंने थोड़ी सी क्लिप यहाँ पर शूट की है वीडियो में, मतलब थोड़ा सा मैंने कैमरे को हाथ से पकड़ा हुआ है, स्टैंड में नहीं लगाया हुआ है। तो इस तरीके से आपको इस सब्ज़ी को काट लेना है। ये देखिए इस तरह से, तो एक एक करके आप सारे टिंडों को इस तरह से काट लीजिए। फिर आ गई हूँ मैं गैस स्टोव के पास, तो बहुत कम क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, कोरोना के टाइम की ये वीडियो है, तो काम वाम मुझसे नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मतलब शॉर्टकट में वीडियो को बनाते हुए आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। तो इसको बनाने के लिए मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगी। इसको बनाने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें डाला है थोड़ा सा सरसों का तेल। अब सरसों के तेल को गर्म हो जाने देते हैं। आप जब भी सब्ज़ी बनाएं, सरसों के तेल में ही बनाएं ज़्यादा करके, या फिर तिल वगैरह के तेल में। रिफाइंड का यूज़ तो आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखना है, आपको पौष्टिक खाना बनाना है, तो बिल्कुल आप रिफाइंड को अलविदा कह दीजिए, खाने में चेंजेस कीजिए। सरसों का तेल, घी या फिर तिल का तेल, या जैतून का, या फिर कोकोनट ऑयल, आप इसका ज़्यादा करके यूज कर सकते हैं। तो जैसे तेल गर्म हो गया है, तभी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जीरा डाला है। आजकल हम जीरा थोड़ा सा ज़्यादा ही खा रहे हैं, वैसे तो हमेशा ही खाते हैं, लेकिन आजकल मैं सब्ज़ी में थोड़ा सा ज़्यादा जीरा डाल रही हूँ। जीरा जैसे चटक गया है, मैंने यहाँ पर 2 प्याज को काट लिया है लच्छे आकार में और डाल दिया है। बहुत ज़्यादा प्याज को हमें नहीं तलना है, बस हल्का सा ही गोल्डन ब्राउन कर लेना है। देखिए, जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, यानी कच्चापन निकल गया है प्याज का, तो मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं कटे हुए टिंडे। फिर यहाँ पर थोड़े से बेसिक से मसाले डालेंगे। अगर आप सब्ज़ी को हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो कम से कम मिर्च मसाले डालिए, हल्दी, नमक, मिर्च और थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया। बस यही सब कुछ डालना है और ज़्यादा कुछ भी नहीं डालना है इसमें। अगर आप इस सब्ज़ी का थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाना चाहते हैं, तो हम सभी के घर में होता है आम का अचार, तो आम के अचार की एक छोटी सी जो है मतलब टुकड़ा और थोड़ा सा अचार का मसाला आप इसमें डाल सकते हैं। इससे सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ जाता है और जो थोड़ी बहुत तेल की कमी रह गई है हमें तड़का लगाते वक्त, वो कमी भी पूरी हो जाती है। बस अब हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत हल्का सा पानी डाल देना है, बस 1-2 चम्मच के करीब, ताकि फटाफट से इसमें भाप बननी शुरू हो जाए और हमारी सब्ज़ी इजीली गल जाए। तो फ्रेंड्स, अब हम गैस का स्टोव बिल्कुल लो कर देंगे और इसको कवर करेंगे और लगभग में 15 मिनट के लिए पकने देंगे अच्छे से। तो देखिए, जो हमारे टिंडे हैं वो बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं, ये सॉफ्ट हो चुके हैं, यानी गल चुके हैं, और आपको इसमें पानी भी नज़र नहीं आ रहा है। और हमने यहाँ पर पानी भी नहीं डाला था इन सब्ज़ी को बनाने के लिए, तेल भी बहुत कम डाला था। तो भाप में ही ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। बस आपको टिंडे लेते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आप कच्चे ही टिंडे लेके आए, पके हुए टिंडे ना लेके आए, क्योंकि जो पके हुए टिंडे होते हैं, उनके जो बीज होते हैं वो हार्ड होते हैं, सब्ज़ी में गलेंगे नहीं, इसलिए कच्चे टिंडे लाए। और बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक सब्ज़ी बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। फ्रेंड, आप भी अपने घर पर बनाइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना।